नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं काव्य 8 माँ कह एक कहानी। ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। तो इसमें मैथिली शरण गुप्त, मैं आपको बताऊं कि वो राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, पद्म विभूषण की उपाधि भी दी गई है। तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त ने बताया है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यह उक्ति चरितार्थ हुई है कि गौतम बुद्ध के जीवन से है। तो यहाँ पर समाज शैली में इस कविता में गौतम बुद्ध बचपन की एक घटना का उल्लेख किया गया है कि यहाँ जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है जिसमें उपयुक्त उक्त परिभाषित हुई है। तो यहाँ पर मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, तो यह उक्ति यहाँ पर चरितार्थ की गई है इस कविता में। तो यहाँ बताया गया कि यशोधरा का पुत्र राहुल उसकी माँ से जिद कर रहा है कि कहानी सुनाओ। तो कहानी सुनाने के बहाने उसे यह पोयम लिखी गई है। तो यह कहानी माँ यशोधरा अपने पुत्र राहुल को सुना रही है और उसी के पिता सिद्धार्थ की कहानी बता रही है। तो इस तरह से उन्होंने, अब राहुल कह रहा है कि माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो ये राहुल कह रहा है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। तो माँ कहती है कि बेटा क्या तुम मुझे अपनी नानी समझ रहे हो कि मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। तो अब राहुल फिर से कहता है, कहती है मुझसे ये चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेडी ही लेडी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तो इस तरह से राहुल कहता है अपनी माँ से कि माँ मुझे ये चेटी, चेटी मतलब दासी, दासी कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी है। तो कह माँ कह, यहाँ पर लेटे ही लेटे तुम मुझे बताओ कि कौन सी कहानी थी जिसमें राजा था या रानी, तो मुझे एक कहानी सुनाओ। तो अब यशोधरा कहती है, तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी, जहाँ सुर भी मनमानी, हाँ 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 माँ यही कहानी। तो कान पकड़ के यशोधरा राहुल से कहती है कि तू है हठी, हठी मतलब जिद्दी, तुम बहुत जिद्दी हो, मानधन मेरे, मेरे लाडले हो, सुन उपवन में बड़े सवेरे, उपवन मतलब बगीचा। तो सुनो, एक दिन बगीचे में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, तात मतलब पिता, भ्रमण करना मतलब घूमना सैर करना, तो तुम्हारे तात भ्रमण करते थे, तो जहाँ सुर भी मनमानी, जहाँ पर बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए थे, खुशबू बिखरी हुई थी, तो वहाँ पर तुम्हारे पिता एक दिन सवेरे भ्रमण करने गए, सैर करने गए, सुबह सुबह तुम्हारे पिता उस सुगंध वाले बगीचे में सैर करने गए। तो हाँ वहाँ पर सुगंध फैली हुई थी, हाँ माँ मुझे यही कहानी सुनाओ। तो इस तरह से फिर वो कहती है कि वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जल जलमल कर हिन बिंदु जिले थे, हल्के जो के हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, वर्ण वर्ण मतलब भिन्न भिन्न, अलग 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 जाति के फूल खिले हुए थे उस बगीचे में, जलमल कर हिम बिंदु जिले थे, यानी जब थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी तो उसके पत्तों के ऊपर हिम बिंदु, हिम बिंदु मतलब ओस की कुछ बूंदे लगी हुई थी, जब हवा का हल्का झोंका चल रहा था तो वो बिंदु जो है वो हिल रहे थे, वो पानी की बूंदे जो है वो हिल मिल रही थी, और पानी जो है वो ओस का जो पानी उन पत्तों पर बिंदुओं के रूप में पड़ा था वो लहरा रहा था। अच्छा वो लहरा रहा था, हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है। तो उसने कहा, गाते थे खक कल कल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, बिद्ध होकर खग शर से हुई पक्ष की हानि। तो वहाँ उस बगीचे में गाते थे खग, खग मतलब पक्षी, कलकल स्वर में पक्षी गा रहे थे सवेरे,
और सहसा, सहसा मतलब अचानक, अचानक एक हंस ऊपर से गिरा, तो गिरा बिद्ध होकर खगशर से, वो एकदम ऊपर से अचानक से जब एक हंस घायल होकर गिरा, घायल किससे हुआ था वह, खगशर से, खगशर मतलब एक तीर से घायल होकर वह गिरा और हुई पक्ष की हानि। तो वहाँ पर इस तरह से उस एक हंस को तीर लगा जिससे वो घायल होकर गिर गया और उसका नुकसान हो गया, तो हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। ओ घायल होकर हंस गिरा, ओ ये तो बहुत दुख भरी कहानी है, करुणा भरी कहानी है मतलब बहुत दुख भरी कहानी है। तो चौकोनों ने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखे टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। ओ चौक उससे उन्होंने उठाया, अब यशोधरा राहुल से कह रही है कि चौक कर एकदम अचानक जब हंस घायल होकर गिरा तो चौक कर उसे उठाया राजा ने और उसे नया जन्म मिला, उसके शरीर से उसने तीर निकाल दिया और उसे एक नया जन्म मिल गया। तो इतनी देर में एक आखेटक आया, आखेटक मतलब शिकारी, शिकारी आया और उसने कहा कि इस पर मैंने तीर चलाया है तो यह मेरा है हंस, इससे मैं मेरे तीरों से ये घायल हुआ है तो यह हंस मेरा है, मैंने लक्ष्य सिद्ध किया है तो यह हंस मेरा है। तो ये तो बहुत ही कोमल और कठिन कहानी हो रही है। अब मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो खग था बख्शी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। तो इस तरह से उस शिकारी ने आकर उस घायल आहत मत मांगा उसने आहत पक्षी, आहत पक्षी मीन्स घायल पक्षी को उसने मांगा, लेकिन तुम्हारे तात, तुम्हारे पिता किंतु रक्षक थे, उन्होंने उस हंस की रक्षा की थी, तब उसने जो खग बख्शी था, खग बख्शी मतलब वो पक्षी को मारने वाला, तो उसने हट करने की ठानी, वो जिद करने लगा कि यह घायल मेरे तीरों से हुआ है तो इस पर मेरा अधिकार है, इसे मैं लेकर जाऊंगा। तो इस तरह से उसने हट की और दोनों के बीच में वाद विवाद शुरू हो गया, दोनों बहस करने लगे और कहानी आगे बढ़ी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, यानी तुम्हारे पिता जो सहृदय थे, जिन्होंने दया की, और दूसरे जो खग बख्शी शिकारी था उसने निर्दय था, उसने दया नहीं की, तो दोनों में वाद विवाद होने लगा। उभय आग्रही थे स विषय में, यानी दोनों ही अपने अपने विषय में आगे बढ़ रहे थे, तो गई बात न्यायालय में, अब इन दोनों की झगड़ों को अब न्यायालय में गया, तो सुनी सभी ने जानी, सबने उनकी कहानी सुनी, तो सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। तो इस तरह से सबने कहानी सुनी और कहानी पूरी फैल गई गांव में। तो राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो किसका, सुन लो तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा था कहानी। तो राहुल, अब उसकी माँ उससे कहती है यशोधरा कि राहुल तुम ही निर्णय करके बताओ तुम किसका पक्ष लोगे, कह दो निर्भय, निर्भय मतलब बिना डरे मुझे बताओ कि किसकी जय होनी चाहिए, तो मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहती हूँ। तो राहुल कहता है मैं क्या बोलूँ माँ, मैं तो कहानी सुन रहा था। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उभारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। अब राहुल कहता है कि कोई अगर निरपराध को मारे तो क्यों उसे कोई नहीं बचाए, क्योंकि रक्षक पर भक्षक को वारे, जो रक्षा करता है वो बड़ा होता है और जो मारने वाला वो छोटा होता है, तो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, तो इस तरह से न्याय में दया होनी चाहिए।
तो दया का दानी न्याय होना ही चाहिए। तो न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी? तो उसकी माँ कहती है हाँ, कि न्याय दया के पक्ष में होनी चाहिए। तो इसीलिए कहती हूँ कि तूने अब कहानी बहुत ही अच्छी तरह से सुनी है। तो इस तरह से ये कहानी आपको समझ में आई है, ठीक है? अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी। थैंक यू।